नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि फेस टू फेस के हर अंक में हमारे साथ कोई ना कोई नई शख्सियत होती है, लेकिन आज जो शख्सियत हमारे साथ है उसे किसी पहचान की जरूरत नहीं। जनाब सब जानते हैं चौधरी लाल सिंह को, जो कि सच्चाई की राह पे कभी पीछे नहीं हटते और गरीबों के वो मसीहा हैं। डेवलपमेंट करना उनका सबसे पहला आदर्श है। आज वही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जनाब चौधरी लाल सिंह का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। चौधरी साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कहा जाता है कि जान है तो जहान है, तो जान का महकमा हेल्थ डिपार्टमेंट आपको दिया गया है, क्या एक्सपीरियंस है आपका अभी तक जम्मू कश्मीर के हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में? देखिए, जम्मू कश्मीर जो है, मैं कह सकता हूँ आज तो साबित कर दिया मेरे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, जो हमारे लोग हैं, सारी जनता जी, सबने साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान से एक अलग पहचान है, जिसकी आप जानते हैं कि अभी दो दिन पहले ही हमें इंडिया टुडे का सर्वे जो आया, जबकि हम 19 नंबर पे थे, 19वें नंबर पे थे जी 2014 में जी, तो आज हम पहले नंबर पे पहुंचे हैं। मतलब 2014 से लेकर 2015 एक साल के टेन्योर में जो आपको काम करने जो हमें 7 महीने के टेन्योर में, अभी 7 महीने हुए हैं, इसमें हमने इसको इस पदभार को नंबर 1 पे रैंक पे लाया है जी। तो कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है जी, तजर्बा एक अच्छी चीज है, और अगर आप तजर्बे के मुताबिक उसको इस्तेमाल करते हैं, अगर ठीक ढंग से काम चलाते हैं, लोगों के लिए सोचते हैं और उस डिपार्टमेंट की बेहतरी और तरक्की जानना चाहते हैं, पेशेंट केयर देखते हैं, अटेंडेंट को प्रॉपरली हैंडल करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि कहीं दिक्कत आ सकती है जी। आप देखेंगे हमारा इस समय 1,00,000 पेशेंट बढ़ा है जी, आप पिछला साल का जो मेरे टेंडर से पहले आंकड़ा देखेंगे तो 1,00,000 पेशेंट हमारा बढ़ा ओपीडी में, आईपीडी में, बहुत इस समय ओवर करोड़ लोग सोचते हैं शायद सारे लोग रेफर होके यहाँ पहुंच गए हैं जी। नहीं, जब मैं पहली बार आपसे मिला उस दिन के बाद मैंने आरएसपुरा, बिश्ना और यहाँ आपके रामगढ़, विजयपुर, सांबा, सुहाजना, इन इलाकों के नजदीक की बात कर रहा हूँ, आपके नजदीक की जी। यो नाक के नीचे है एक हेल्थ मिनिस्टर के और इस डिपार्टमेंट के, उसमें आप देखोगे तो इन किसी भी हॉस्पिटल में नॉट ए सिंगल पेशेंट। फिर सांबा में 5 पेशेंट थे जब मैं गया, आरएसपुरा खाली, बिश्ना खाली, रामगढ़ खाली, सुहाजना खाली, लगता नहीं था कि यहां भी कोई किसी किस्म का कोई इलाज होता है। आज जाके चेक करिए, बेड फुल है, सारे लोगों के जहां ऑपरेशन शुरू हो गए वहां डॉक्टर नाइट स्टे जो था, रोस्टर जो बंद हो गया था, रोस्टर प्रॉपर बन के सामने आया है। आज हर हॉस्पिटल में लिखत में है कि कौन कितने डॉक्टर हैं, कितने पैरामेडिकल्स हैं और कौन कौन लोग जो हैं ऑन कॉल पे हैं, इसलिए किसी किस्म की भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ आप देखोगे तो हमारे यहाँ वही हाल हो गया था कि जो एक पहचान थी डॉक्टर की खत्म हो चुकी थी मेरे 11 साल के बाद, ना पेशेंट का पता चलता था, ना डॉक्टर का पता चलता था, ना सफाई कर्मचारी, ना पैरामेडिकल, सारे लोग यूनिफॉर्म भूल चुके थे जी, बिल्कुल अपना कार्य अच्छे डॉक्टर होने के कई अच्छे डॉक्टर के नाते भी कई छोड़ चुके। मतलब आपका छोटे शब्दों में कहना है कि पहचान ही नहीं होती थी ये डॉक्टर है या अटेंडेंट है, होजी कौन है, एक कैसा है, और वहां से ही लोगों के साथ इंसाफ नहीं होता था। आज देखिए, आप चक्कर मार के देखिए, हमारे पास अगर कहीं कमी है तो वो हमारी ये कमी है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, उसमें पैसे की बड़ी कमी होने के कारण स्लो। ऐसे ही मैंने देखा कि ठेकेदारी शुरू करवा के रखी है किसी के पेट पालने के लिए, लेकिन हमने प्लान किया है उस निज़ाम को ठीक करने का, सारा ठीक कर देंगे और अब 1-2 साल के अंदर सारी कंस्ट्रक्शन वर्क हमारा सारा खत्म हो जाएगा जी। चौधरी साहब, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि जम्मू मेडिकल कॉलेज और कश्मीर मेडिकल कॉलेज एक अहम कॉलेजेस हैं, उनमें क्या फुल इक्विप्ड सिस्टम है इस समय? देखिए, हमारे पास बहुत कुछ है और बहुत सी कमी भी है, देयर इज नो डाउट, और जो कमी है उनका हमने बना लिया है प्लान जी, प्लान बना लिया है और उसका टाइम बाउंड करके उसको क्लियर कर देंगे। हमारे बहुत से एक्चुअली क्या है कि हमारे डॉक्टर जहाँ जो हैं, ये दोनों जो मेडिकल कॉलेज
हमारे कश्मीर और ये वाले, इन दोनों की एक कंबाइन सेनेटी होती थी जी, जब 2006 में इनकी दोनों की डिवाइड कर दी गई, जिससे ये हुआ कि कश्मीर वाला डॉक्टर जम्मू नहीं आ सकता, जम्मू वाला डॉक्टर कश्मीर नहीं आ सकता जी। हालांकि ये पोस्ट कंबाइन थी, उसको इन्होंने कैसे कर दिया, और उसके कारण उसका ये हुआ प्रॉब्लम ये हुई कि कश्मीर के डॉक्टर को ये लगा कि मैं जम्मू तो जा नहीं सकता, मेरा क्या बिगाड़ेगा कोई, बिल्कुल सही, जम्मू वाला सोचता मेरा क्या बिगाड़ेगा। अब मैंने आगे इसका निचोड़ निकाला कि ऐसी कारण क्या है कि काफी ऐसे डॉक्टर हैं जो अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, और काफी ऐसे डॉक्टर हैं जिनके दिमाग में खराबी है कि हम यहां से नहीं जाएंगे, हमें कौन पूछेगा, बिल्कुल हम तो बादशाह हैं, बिल्कुल सही, और उनके लिए आपकी दया से हमने क्या किया है। अब ये कमाइन सिस्टम सीनियरिटी करने जा रहे हैं, जल्दी देखोगे। और उसके साथ ही HOD की वो बंद है प्रैक्टिस, लेकिन जो बाकी और डॉक्टर हैं उनकी बंद सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी बंद नहीं है। तो हमने प्लान किया है कि अगर चलनी थी सबकी चलनी चाहिए थी, अब हमने प्रैक्टिस बंद करने का प्लान कर लिया है जी, बिल्कुल। काम लगातार है, 10-15 दिन के अंदर अंदर देखोगे फिनिश। ये हमारे हमसे पहले ही डिपार्टमेंट ने एक किसी ने लगाई थी, जब टीचरों पे लगा कि ये लोग वो ट्यूशन करते हैं तो बंद करें, तो किसी ने कोर्ट में किया कि डॉक्टर क्यों करते, तो कोर्ट ने कहा डॉक्टर भी करेंगे। तो हमारे पहले डिपार्टमेंट जो हमारे पहले से लोग थे, उन्होंने इस पे जाके SLP लगा दी जी, और उसको रुकवा दिया, सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है, अब मैंने विड्रा कर ली है, दे दिया लिख के मैंने, अभी लॉ डिपार्टमेंट में अब लेके आएंगे और वापस हो जाएगी, और दोनों मेडिकल जो सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं इनकी प्रैक्टिस क्लोज हो जाएगी, सबको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल OPD आप देखो 10 से 12, 2 बजे तक फिनिश थी, मैंने 10 से 4 की हुई है, बहुत बड़ी, क्योंकि एक आदमी डॉक्टर को ढूंढता रहेगा, डॉक्टर अगर 2 बजे तक 4 बजे तक उसकी ड्यूटी है वो क्यों नहीं बाहर रहेगा जी। हर ना की ओनली ना मेडिकल कॉलेज, एवरीवेयर इन द हेल्थ सर्विस में भी और मेडिकल एजुकेशन में दोनों में हमने, और INSM में भी सबको कह दिया कि ऐसा होगा, ऑर्डर कर दिया और वो इम्प्लीमेंट हो गया है जी। या नहीं होगा, जहां पकड़ा जाएगा उसको सस्पेंड, उसकी सख्ती उसके साथ जो कुछ ना कुछ सख्ती की जाए होगा। तो कहने का मकसद है कि एक हम प्लानिंग से चल रहे हैं, आप देखिए सबसे पहले अपना आउटलुक क्लियर होना चाहिए। हमने क्या किया है, एक तो हमारे पास इस समय मैं देखता हूं हाउसकीपिंग की बहुत अच्छी हालत नहीं है। हालांकि लोगों ने जिन्होंने नजारा पहला देखा, यार आजकल बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन लाल सिंह को अभी अच्छा नहीं पसंद है। मैं चाहता हूं कि कम से कम भी ये बेस्ट बने, कैसे हो पाए, हमारे पास कोई दुकानें हैं जिन्होंने दुकानें ली, कोई 400 रुपये महीना देता है, कोई 500 महीना देता है, कोई कॉपर सोसाइटी का नाम सुनाता है, कोई किसी का सुनाता है, कोई रेड क्रॉस का सुनाता है, कोई पैसा हमें इनकम नहीं आती, और कि जिन्होंने पैसे देने उन्होंने हम पे स्टे भी करवाए हुए हैं। तो हमने इस बार प्लान किया कि सारी दुकानों के टेंडर अभी कर रहा हूं, अब देखो थोड़े दिनों के बाद एक टेंडर निकल जाएगा, और टेंडर निकलने के बाद दूसरा टेंडर, वो टेंडर किसी ने निकालेंगे कि हमारे पास कुछ पैसे रेवेन्यू आए, रेवेन्यू आने के बाद तुरंत हम हाउसकीपिंग का टेंडर कर रहे हैं, उसके साथ ही उसी विद इन दैट भी हमारे पास कितने पैसे आ गए। तो हाउसकीपिंग ऐसी नहीं होगी, क्वालिटी की स्टैंडर्डिंग, पंखा, ये सीट मिरर, ये दीवार सारी साफ होगी, ये नहीं कि नीचे नीचे साफ किया और ऐसे ही। अभी भी मैं देख रहा हूं कि हमारे मेडिकल कॉलेज में आप देखोगे आप हैरान हो गए कि अभी भी वो सोडे से पुराने जमाने सोडा लगाया दीवारों में, देखते ना बाइक 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 जी, 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 जी। मैंने कल कहा यार थोड़ी सी अपनी बदलो, अभी अभी वहीं बैठे हो और सबसे एडवांस साइंस में बैठे हो और सबसे बैकवर्ड काम कर रहे हो, बिल्कुल सही। तो इसलिए है कि हाउसकीपिंग का प्रॉपर इंतजाम नहीं है, कोई फॉगिंग कहीं कुछ नहीं होता, सारा सिस्टम बढ़िया करके आप देखोगे सुंदर कर दूंगा। इसके बाद एक टेंडर कर रहा हूँ, यो मुझे यहाँ मेरी भाई बहन बच्चे जितने भी हैं जिनको खाना बंद हो गया है, खाना नहीं मिलता हॉस्पिटल में, बंद है, मेरे से पहले बंद हुआ, जब मैं पहली बार था तो था, और वो भी खाना ऐसे खाना थोड़ी था, ऐसे फ्रॉड था। अब हमने प्लान किया है कि उसकी उससे पहले जो हमारे कैफेटेरिया, हमारे जितने भी कंटीन्स जो जितने उसके भी जो टेंडर करूंगा उसकी रेवेन्यू आएगा, और जो रेवेन्यू आएगा वो उसी रेवेन्यू से हम खाना लोगों क्या क्या चौधरी साहब, जो ऑलरेडी कैंटीन्स जो ये सिस्टम चल रहा था, क्या उससे हमें रेवेन्यू क्रिएट नहीं हो रहा था? ना जी, उल्टा बोझ बना नाम मात्र था। मैं एक बताऊं कि जो हमारी मेडिकल शॉप्स हैं उन्होंने पैसे देने हैं, उन्होंने स्टे करवा दिए,
और कईयों का रेट क्या है 200 रुपया, कब से ही 83 से 84 से जी मालिक बन के बैठे, खुद वो 2 करोड़ कमाते हैं और 200 करोड़ों रुपया जी करोड़ों रुपया इनकम है उन लोगों को। बिल्कुल सही, कम से कम करोड़ों ले रहे हो, हमें भी करोड़ दे दो हमारे डिपार्टमेंट को। बिल्कुल, उससे हमारा रेवेन्यू जब आता है तो हाउसकीपिंग ठीक होती है, कंटीन और कैफेटेरिया से आता है तो हमारा हम खाना देते हैं। खाना और हाउसकीपिंग ऐसी नहीं होगी जो आपने देखी होगी, नो, जस्ट लाइक जैसे हमारे 5-स्टार होटल होते हैं, हाउसकीपिंग वैसी होगी, इक्विपमेंट, मशीनें, पूरा सिस्टम होगा जिससे सारा बढ़िया करके एक बड़ी बेहतर है लोगों को एक दे देंगे। लोग पहचान नहीं पाएंगे कि वी आर आई वर्क, हम कहां घूम रहे हैं, कहां घूम रहे हैं। इसके साथ जी चौसा, इसके साथ हमने ये टेंडर कर दिया है। पहले हमारी मेडिकल शॉप्स होती, मेडिकल जो हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विस जम्मू, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर और प्रिंसिपल जम्मू, प्रिंसिपल वो, प्रिंसिपल थे, सारे लोग अपने अपने ढंग से दवाइयां खरीदते थे जी। आज हमने उनको क्लोज कर दिया है, सब दवाइयां एक कारपोरेशन बनाई है, कारपोरेशन खरीदेगी, जिससे एक जगह में जहां हमने 50,000 टिक्की लेनी है वहां से 5 लाख के टिक लेंगे जी, बिल्कुल कोई भी, और वो जो सारी दवाई होगी उसके लिए हमने 6 नंबर लेबोरेटरीज, उसके लिए भी हमने उनका भी टेंडर करवाया जो हमारी दवाई को चेक करेंगे जी। बिल्कुल, और दवाई चेक करने के लिए दवाई के ऊपर ये नहीं लिखा होगा कि दवाई का नाम यह है, उसके ऊपर ये नहीं होगा कि दवाई फलाने की है, ना भेजने वाले को पता होगा दवाई लेबोरेटरी में भेजी किसकी भेजी, उसमें कोड नंबर होगा जी, वो चली जाएंगी वहां हमारे लेबोरेटरीज में, वहां रिजल्ट आएगा कि ये दवाई इसमें मिकदार ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है जी। उसके मुताबिक वो दवाई आप देखते हैं कि लोग कहता मैं सर मैं 15 दिन हो गए दवाई खाते हुए, मुझे महीना हो गए, फर्क नहीं पड़ा, फर्क कैसे पड़ेगा, सब स्टैंडर्ड दवाई है। अभी हमने आपके जम्मू में इधर इंडस्ट्री स्टेट में छापा मारा 3 जगहों पे, तो आप देखिए सिर्फ जो होता पीने वाला कफ सिर्फ, हाँ उस कफ नहीं, कोई सिर्फ कोई भी ले सिर्फ हो गया, वो सिर्फ कैसे उन्होंने एक बड़े खुले बर्तन में डाला हुआ था है साहब जी, और फिर एक उसका मजदूर कप से उठा के बोतल भर रहा था। आप बताइए इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर कहेगा आप ये खाओ वो खाओ, और उस दवाई तो और दवाई में पॉइजन आ रहा है लोगों के लिए। हमने क्लोज कर दी वो फैक्ट्री, नथिंग नहीं चलने देंगे, ऐसा कोई गलत काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो लोगों के हेल्थ केयर के साथ छेड़छाड़ करेगा जी। एक सीधी सी बात है, एक हम क्या करने जा रहे हैं इसके बाद, एक हमारी प्लानिंग है, जितने हमारे सब सेंटर हैं सबके लिए एक अक्यूमेंट, कोई आए कोई हमारी लेडीज जाती हैं उनको क्या चेक करने पड़ता है कि उनका होमोग्लोबिन कितना है, जिसका प्रेग्नेंट लेडी होती है, होमोग्लोबिन जब चेक करते हैं तो उससे क्या होता है कि बार बार प्रिकिंग जब भी जाएगी प्रिकिंग, अब हमने एक एडवांस टेक्निक से एक लाया है, इंस्ट्रूमेंट है छोटा सा होगा, वो आपकी आंख में ऐसे लगाया जाएगा, आप उसे ऐसे देखोगे जैसे कोई आंख अपनी ठीक करा रहे हो, ऐसे देखोगे 30 सेकंड के बाद आपको रिजल्ट आ जाएगा आपका होमोग्लोबिन कितना है। सारे ही सब सेंटर मतलब वेल इक्विप्ड, आज के युग का जो कंप्यूटर का युग है, और आप जानते हो कि इससे क्या है कि कई लोगों को तो इन्फेक्शन होता है, बिल्कुल प्रॉब्लम खड़ी होती है, ये हम सीधा एक सिस्टम बना के देंगे। और आज हमारे सब सेंटर पे बीपी टेस्ट होगा, ब्लड प्रेशर टेस्ट होगा, उसको लेडी को उसका होमोग्लोबिन कितना निकला, उसको फोलिक एसिड कितना देना है, आयरन फोलिक एसिड कहते हैं उसको जी। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जब तक उस लेडी जिसकी 5 ग्राम 10 ग्राम 7 ग्राम 8 ग्राम उसका ब्लड है तो उसको 11 ग्राम तक पहुंचाना होता है कि ताकि उसकी ड्यूरिंग डिलीवरी उसकी कहीं डेथ ना हो पाए, उसको बचाने के लिए तब हम चाहते हैं मोर्टैलिटी रेट कम किया जाए। आपको जान के खुशी होगी इस समय हमारे जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान की जो रेशो है इससे में मोर्टैलिटी रेट जो है जो डेथ्स है रेशियो है 42 है जी। जो इसमें करते हैं हमारे लोग बच्चे है, ये दूसरा हमारी आपको जान के खुशी होगी हमने 35 हो गई है अभी थोड़े दिनों में, और कई मेरे हॉस्पिटल ऐसे हैं वहाँ 12 पहुंच गई है, और हम कोशिश करना चाहते हैं, मैंने तो एडवाइजरी भी कह रहा हूँ जो हस्बैंड होते हैं उनको कह रहा हूँ, मेरी एडवाइजरी भी आपके थ्रू भी कहूँगा कि जिसकी भी कोई वाइफ ने बच्चा होना है वो 4 दिन हमें पहले ला दे, ना उसकी वाइफ की डेथ होगी खर्चा हम करेंगे, ना उसकी डेथ होगी उसके बच्चे की होगी, दोनों सुरक्षित जाएंगे घर में। हम चाहते हैं कि लोगों को भी समझ होनी चाहिए कि जब मरने उपरांत ही उसको लाया जाता है कि ले आए उस समय
भाई ले चलो, जब जवाब दे दिया जाए तो हाँ, तो रेफर होके आ जाते हैं, बाहर से आ जाते हैं। जी चौधरी साहब, गुस्ताखी चाहूंगा, समय बहुत कम है, सबसे अहम चीज है कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का सपना है, सबका साथ सबका विकास, उसी को देखते हुए ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर जनाब चौधरी लाल सिंह ने ये अपने जहन में बिठा रखा है, किसी भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करते, इसीलिए दिन रात इनके पास लोगों का खेमा लगा रहता है कि इंसाफ मिलेगा तो चौधरी लाल सिंह से। दर्शकों, इसी के साथ विदाई लेंगे, नमस्कार, धन्यवाद।